प्रमोद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद मिला अपनी माँ की भी यही इच्छा है। कौन जाने देव जी का साथ, उनका प्यार हमारी विधि का भाग्य बदल दिए। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और हम भी तो अपनी विधि की जिंदगी और उसकी खुशी चाहते हैं ना। मेरा मन कह रहा है कि शायद पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बाद पापा का फैसला हम दोनों को मिला देगा। स्टार भारत के सीरियल ना उम्र की सीमा हो में देवराज के सब्र का बांध टूट गया है और वो विधि के घर पहुंच गया है और माता रानी के सामने माता रानी की लाल चूड़ियां लेकर उसने अपने प्यार का ऐलान कर दिया है और ये भी कह दिया है कि अब वो विधि से शादी कर ही रहेगा, जिसे सुनकर सभी घर वाले हैरान हो गए हैं। देव भाई को अपनी मर्जी से शादी करने का है। ओह गॉड, पर एक बात तो तुम थोड़ी सुन, मैं और मां दोनों देव भाई के साथ हैं। नहीं अभी, इस बार मैं देव के साथ नहीं। सर मैं ना फटाफट जाकर वो देवी माँ का भोग चढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग सत्यवती मैम का आशीर्वाद लेने चले। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, उनकी रजामंदी तो वैसे भी इस रिश्ते से है। हाँ सर, इसलिए तो मैं परमिशन नहीं कह रही हूँ, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ उनका। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो चाहती होगी कि शादी तुरंत ही हो जाए, लेकिन मुझे ना उनसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि मैं 1-2 साल और रुकना चाहती हूँ। वो तो मैंने ना बहुत सारे सपने देखे माँ पापा के लिए, मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं। प्रमोद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद मिला अपनी माँ की भी यही इच्छा है। कौन जाने देव जी का साथ, उनका प्यार हमारी विधि का भाग्य बदल दिए। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और हम भी तो अपनी विधि की जिंदगी और उसकी खुशी चाहते हैं ना। मेरा मन कह रहा है कि शायद पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बाद पापा का फैसला हम दोनों को मिला देगा। 24 घंटे हो गए मेरी, मेरा फैसला यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, हमारे पापा का फैसला। क्या बात है, क्या कोई और भी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? देव भाई को अपनी मर्जी से शादी करने का है। ओह गॉड, पर एक बात ना, तुम कान खोल के सुनो, मैं और माँ दोनों देव भाई के साथ हैं। नहीं अभी, इस बार मैं देव के साथ नहीं। फटाफट जाकर वो देवी माँ का भोग चढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग सत्यवती मैम का आशीर्वाद लेने चले। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, उनकी रजामंदी तो वैसे भी इस रिश्ते से है ही। हाँ सर, इसलिए तो मैं परमिशन नहीं कह रही हूँ, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ उनका। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो चाहती होगी कि शादी तुरंत ही हो जाए, लेकिन मुझे ना उनसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि मैं 1-2 साल और रुकना चाहती हूँ। वो मैंने ना बहुत सारे सपने देखे माँ पापा के लिए, मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं।